हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करने जा रहे हैं और केवल 36 क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें लास्ट में एडिशनल कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे जो कि फ्रेम किए जा सकते हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर आप क्वेश्चन के लास्ट में कुछ उसी क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन करके या कुछ एडिशनल कुछ क्वेश्चन हम लोग से खुद पूछ लिया कीजिए और हम लोग उसका आंसर करेंगे और आप लास्ट में उसका सलूशन आप बता दीजिएगा या दूसरे वीडियो में आप बता दीजिएगा। तो ठीक है, उसको करते हैं। क्वेश्चन पहले डिस्कशन किया जाए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर इज ए स्मूथ ट्रैक, ये शेप ऐसा है एंड पॉइंट ए ऑफ द ट्रैक इज एट हाइट 1 मीटर एंड लास्ट ऑफ द ट्रैक इज हॉरिजेंटल फ्लैट एंड इट्स हाइट अबव द ग्राउंड इज 0.5 मीटर। A block is released from this point A. Release किया जाता है इसको, released मतलब release किया जा रहा है, it means initial velocity कितनी है? 0. And this is a smooth track. Then question is how far away from the track will the particle hit the ground? Okay, first question is will the block reach point B? आप बताइए कि क्या ये B पे पहुंच पाएगा? Answer is yes, पहुंच पाएगा। क्यों पहुंच पाएगा? जब ये यहां पे है, ये ज्यादा हाइट पे है, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी MGH, क्या अगर अकॉर्डिंग कहें हम लोग तो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 इस लेवल पर माने एज अ रेफरेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे, और ये हाइट कम है इसके रिस्पेक्ट में, यहां पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ये ट्रैक पे यहां पे पहुंचेगा ये ब्लॉक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने की वजह से यहां पे पहुंच के इसके पास स्पीड भी होगी कि स्पीड कितनी, क्यों? एनर्जी कंजर्व क्यों है? देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई एडिशनल वर्क निगेटिव नहीं हो रहा है, तो ये ब्लॉक यहां से यहां स्लाइड करता हुआ यहां पर पहुंच रहा है। अब ये पहुंच जा रहा है तो इसकी स्पीड यहां पे कुछ है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ फार फ्रॉम द ट्रैक विल द ब्लॉक हिट द ग्राउंड, मींस इस ट्रैक से ये कितने दूर जाके टकराएगा ग्राउंड से। तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो हो गया, अगर मैं कहूं कि एक कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आ सकता है, एडवांस में भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, या एक बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है और नीट में भी आ सकता है। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो एनर्जी कंसिडरेशन जिससे कि आप यहां से स्पीड यहां पर निकालोगे, पहला पार्ट एनर्जी कंजर्व करा के, दूसरा इसके बाद का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट चेक हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग से पूछा गया है कि कितने दूर, हाउ फार फ्रॉम द ट्रैक विल द ब्लॉक हिट द ग्राउंड। तो पहले इसके सॉल्व करने के लिए वी नीड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, कितने वेलोसिटी यहां पे पहुंचने के बाद ब्लॉक के पास होगी। तो क्या किया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यू एट ए प्लस के एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट के, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट when the block moves from A to B, final position, initial position to final position, work done by non-conservative force when the block moves from initial position to final position. तो ये initial energy total A पे, ये रास्ते के work done हो गए। अब when the block reaches its final position, potential energy plus kinetic energy. तो initial energy रास्ते में work done, जो भी हुआ final ये energy total mechanical हो गई। यही कैलकुलेशन अब करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया हमने, यहां पे रेफरेंस 0 माना था, तो पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे क्या हो गया, एम जी इंटू एच, एच की वैल्यू है 1 मीटर, एच वन में इसको सिंबॉलिकली अगर कहूं तो दिस इज एच वन इज 1 मीटर, प्लस के एट ए विच इज 0, यहां से रिलीज किया गया। अब वर्क डन द एक्सटर्नल एजेंट 0, क्यों 0, क्योंकि इस एक्सटर्नल एजेंट में क्या है, नॉर्मल जो है वो एक्सटर्नल ट्रैक जो लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स वो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, दूसरा फोर्स एक एमजी भी लग रहा था,
बट mg एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है. क्यों इंटरनल है? जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब वो अर्थ और ब्लॉक सिस्टम के लिए लिखा कर रहे हैं, तो अर्थ मेरे सिस्टम का पार्ट है. तो अर्थ सिस्टम का पार्ट है तो अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स माना जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के कैटेगरी में नहीं आएगा. तो इसका वर्कडन यहां पर नहीं आएगा. इसके वर्कडन एक्चुअली में हमने पोटेंशियल एनर्जी के चेंज जब बात कर रहे हैं उसमें हम लोग ऑलरेडी यही कैलकुलेट करते हैं. आपने पढ़ा है कंसेप्ट में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो जब mg का वर्क डन हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर ऑलरेडी इस इक्वेशन में इंक्लूड कर लिया है वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक है. ये आप कल से वीडियो में आप देखोगे तो आपको और क्लैरिटी से पता चलेगा. तो mg का वर्क डन ऑलरेडी हो गया है, वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में आप कैलकुलेट कर ले रहे हो. तो अब फिर से दोबारा अगर mg का वर्क डन लिखा तो आपने दो बार एक ही चीज को रिपीट कर दिया है. तो अब mg इंटरनल फोर्स हो गया, हम ऐसे सिंपल समझ लेते हैं. अब तो एक्सटर्नल फोर्स में केवल नॉर्मल रह गया. अब नॉर्मल का वर्क डन क्या हो गया? नॉर्मल हमेशा किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है. ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा, वेलोसिटी टैंजेंट के लॉन्ग, नॉर्मल परपेंडिकुलर के लॉन्ग. तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट टैंजेंट के लॉन्ग हो गया और फोर्स परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स, कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड एंगल इज 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई फ्रिक्शन नहीं है, जीरो. यू एड बी एम जी इंटू एच टू, एच टू इसको मैं अगर कह दू, एच टू इज 0.5 मीटर, तो दिस इज 0.5 प्लस के एंड बी, के एंड बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर. तो यहां से एम तो कैंसिल हो जाएगा हर टर्म से, इसलिए दिया भी नहीं था क्वेश्चन में. अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें कि मेरा VB आ जाएगा, इससे मेरा VB कितना आ जा रहा है कैलकुलेशन से, ये आ जा रहा है 2G H1 माइनस H2 अंडर रूट. सो कैलकुलेशन G, इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ G 10 एंड H1 माइनस H2 विल बी 0.5, 1 माइनस 0.5 0.5, तो दिस कम्स अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अलोंग द हॉरिजेंटल. क्यों हॉरिजेंटल? बिकॉज ट्रैक इज हॉरिजेंटल, स्मूथ फ्लैट फ्लैट ट्रैक एट बी. आफ्टर दैट मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल. तो हमने यहां तक जो है एनर्जी कंजर्वेशन करके यहां से स्पीड निकाल ली, कि स्पीड कितनी है. अब आते हैं क्या निकालना है, कि कितने दूर जाएगा, कितने दूर जाएगा. तो हम लोग पहले भी कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, आप जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, कि हम लोग जो एक्स के लॉन्ग अलग से इक्वेशंस लिख लेते हैं, वर्टिकल वाई के लॉन्ग अलग लिख लेते हैं, और फिर दोनों इक्वेशन की मदद से ओवरऑल टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग एनालिसिस कर ले रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ टू डायमेंशंस में देके कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग. ये पहले पढ़ चुका, अब इस पर मैं बहुत ज्यादा टाइम अभी यहां पे नहीं देना चाह रहा हूं, ऑलरेडी आप जानते हो. तो आप क्या करोगे, पहले यहां से यहां तक गिरने का कितना टाइम है वो निकाल लोगे, और फिर उस टाइम में ये कितना दूर आगे निकला है फिर आप वो निकाल पाओगे. तो कैसे टाइम निकलेगा, तो आप सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. अब एस वाई जब ये नीचे गिर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, कितना नीचे हो रहा है, 0.5 मीटर हो रहा है, तो एस वाई की वैल्यू 0.5 मीटर. नीचे वाले वेक्टर को अगर हम प्लस लें तो अपवर्ड वाले को माइनस लेंगे, तो 0.5 मीटर. यू वाई कितना है, जीरो है. क्यों यू वाई जीरो है, क्योंकि बी पे वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल कम में इसका कंपोनेंट जो यू वाई आएगा वो 90 डिग्री होने की वजह से 10 कॉस 90 जीरो आ रहा है, तो ये जीरो हो गया. हाफ ए वाई, ए वाई जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है भाई, जब ये एयर में मूव कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ए वाई वर्टिकली नीचे जी लग रहा है, और हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है इसलिए हॉरिजेंटल का एक्सेलरेशन जीरो है. तो ए वाई हो गया प्लस जी की वैल्यू 10 ले लिया, और टी स्क्वायर, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की, कितनी आ रही है, 2 इंटू 0.5 1 अपॉन 10 अंडर रूट दिस मच सेकेंड. इतने टाइम में ब्लॉक वर्टिकली 0.5 मीटर नीचे आएगा. मतलब देखो जब क्या हो रहा है, ब्लॉक ऐसे मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े, तो इसमें जब वो यहां हिट करेगा
तो हम लोग इसको टू डायमेंशनल मोशन के तौर पे क्या कह रहे हैं, वर्टिकली उसका डिस्प्लेसमेंट उतने ही टाइम में 0.5 मीटर हुआ और हॉरिजॉन्टली उतने ही टाइम में एक्स हो रहा है जो हमसे पूछा गया है। तो वर्टिकली वाला डिस्प्लेसमेंट हमको पता था, इसलिए हम लोगों ने उसको यूज करके टाइम निकाल लिया कि कितना टाइम आने में नीचे लगा है। अब उतने टाइम में कितना आगे गया वो निकाल लेते हैं, कितना आगे गया, कौन सा इक्वेशन लगे, तो सेकंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा लो, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया x जो हमें निकालना है, ux की वैल्यू, ux जो यहां पे था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, और इनफैक्ट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल ही थी, 10 मीटर पर सेकंड जो हमने निकाला है vb, तो ये 10 इंटू टाइम, टाइम आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 10, और ax जो है वो 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जब वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो बस इतना आ गया। और ये अगर देखें, अच्छा वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी वी भी जो है अंडर रूट 10 आई थी बच्चों, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, 10 नहीं था, अंडर रूट 10, देखो आप यहां पे कैलकुलेट किया था हमने पहले वी भी अंडर रूट 10, तो ये अंडर रूट 10 यूएक्स इंटू टाइम 1 अपॉन अंडर रूट 10, तो ये आ गया 1 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस पूछा गया कि ट्रैक से कितने दूर जाके हिट करेगा, तो ये 1 मीटर दूर हिट करेगा, ये हम लोग का आंसर आ रहा है, ये आंसर हो जा रहा है। तो ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ बेसिक क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट चेक हो गए, एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों को आता है नहीं आता है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन उनको अभी ध्यान है या नहीं ध्यान है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन पहले पढ़ा था, दोनों कंसेप्ट इसमें यूज हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, आंसर आ गया। अब अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं कि अब अपनी तरफ से क्या ऐड कर रहा हूं, क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं कि आप इसको निकालिए, अगर ये पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट है वो पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं सी, और सपोज करो आप लोग कि ये हाइट 0.2 मीटर पे है, 0.2 मीटर हाइट पे है ये ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल जो सरफेस यहां पे है, और ये जो छोटा पोर्शन ट्रैक का है इसमें एज्यूम इट इज द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर पाथ, इसका पार्ट है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर यहां पड़ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है आर, ये कुछ दिया हुआ है आप सपोज कीजिए, मैंने ऐसे डेटा ले ले रहे 5 मीटर दिया है। तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब ये ब्लॉक इस सी पॉइंट पे पहुंचेगा, इस सी पॉइंट पे पहुंचेगा, तो व्हेन दिस ब्लॉक विल रीच एट पॉइंट सी, व्हाट विल बी द फोर्स विथ व्हिच इट विल प्रेस द ट्रैक, ट्रैक को कितने फोर्स से पुश कर रहा होगा, एक तो वो निकालिए, दूसरा इसकी स्पीड यहां पे कितनी होगी ये निकालिए। ठीक है, और सिमिलर वे में जब ये बी पे पहुंच रहा है तब ये कितने फोर्स से ट्रैक को पुश कर रहा है, मतलब अब मैंने क्या किया, आपसे सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट इसमें पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन दिस ब्लॉक रीचेज एट पॉइंट सी एंड सी इज स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्रैक नियर द पॉइंट सी इज एज्यूम टू बी अ पार्ट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर, देन फाइंड द फोर्स विथ विच दिस ब्लॉक विल प्रेस द ट्रैक, फाइंड द फोर्स विथ विच दिस ब्लॉक विल प्रेस द ट्रैक, ये तो ये निकालना है, दूसरा सी पे कितनी स्पीड होगी ये निकालना है, और एक तीसरा मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चन कह रहा हूं, क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स विथ विच दिस ब्लॉक विल प्रेस द ट्रैक एट पॉइंट बी। आप ये क्वेश्चन को ट्रैक करो, सॉल्व करो और आप वीडियो को यहां पे ही पॉज कर दो, आप इस क्वेश्चन को पहले आप निकालो। ठीक है, आप अगर निकाल लो तब अब आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करके आप देखो इससे आंसर क्या होने वाला है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने की तैयारी करता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, कुछ आंसर आएगा, देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो पहला काम करते हैं वीसी निकालते हैं, यहां से यहां तक आने में सी पॉइंट पर जब आएगा तो वीसी क्या होगा, तो एनर्जी कंसिडरेशन से यू एट ए प्लस के एट ए प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ए से सी तक आने के रास्ते में, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ए से सी तक आने के रास्ते में यू एट सी प्लस के एट सी, ये दोनों जीरो होंगे, अभी अभी डिस्कशन किया था हम लोगों ने। यू एट ए इज
mg h1, h1 की वैल्यू 1 मीटर, k एट a इज 0, इज इक्वल टू u एट c mg इंटू एच थ्री, इसको h3 कह लेते हैं, s3 इज 0.2 मीटर, प्लस k एट c हाफ m vc स्क्वायर। तो यहां से vc की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 2g h1, h1 माइनस h3, मीन्स अंडर रूट 2, g की वैल्यू 10 ले रहा हूं, ये आ रहा है 1 माइनस पॉइंट 1 माइनस पॉइंट 1 मीटर है ये, 1 माइनस पॉइंट 2, 1 माइनस पॉइंट 2, तो दिस इज 0.8, तो 1 दिस इज 0.8 इंटू 2 1.6 इंटू 2 16 अंडर रूट, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो रही है VC पे। अब क्वेश्चन में पूछा है मैंने कि कितने फोर्स से ये ब्लॉक ट्रैक को पुश करेगा। अब ट्रैक को पुश करेगा, जितने फोर्स से प्रेस करेगा ट्रैक भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब हमने कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इस ब्लॉक पे जो ट्रैक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है पॉइंट सी पे उसकी बात की गई है, वो निकालना है हम लोगों को। जितने फोर्स से ये ट्रैक को पुश करेगा ट्रैक इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, तो NC, और ये नीचे लग रहा है MG। तो आप इक्वेशन में लिखोगे NC एट पॉइंट सी NC माइनस mg, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सर्कुलर पाथ में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलेरेशन, और रेडियल एक्सेलेरेशन होगा वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी कहां का, सी पॉइंट का। एन सी हम लोग को बताना है, तो दिस इज इक्वल टू mg प्लस एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एन सी की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में m नहीं दिया था, तो अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो बुक से लिया है अगर इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता तो इसमें m की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो लेट से लेट m लेट अगर ये गिवन है, गिवन है मास ऑफ ब्लॉक इज 1 kg, ठीक है, ऐसी वैल्यू रख लिया 1 kg, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू जी 10 प्लस m1 vc स्क्वायर इज 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, vc हमने 4 निकाला है, अपॉन में रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये तो फाइनली आ जा रहा है 50 प्लस 16, तो 66 अपॉन 5, तो इतना न्यूटन हो गया, तो 1 और 6 13.2 न्यूटन्स, इतना आंसर आ जाएगा। इतने फोर्स से जो है ये ब्लॉक सी पे ट्रैक को प्रेस कर रहा होगा। तो स्पीड आ गई, हमने एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कितने फोर्स से ये ट्रैक को पुश कर रहा है ये पूछा, तो ये आ गया। और क्या हमने पूछा था, एक क्वेश्चन और क्या पूछा था कि बी पॉइंट पे जब ये पहुंच रहा है तब ये ट्रैक को कितने फोर्स से पुश कर रहा है। तो सिमिलर अगर ये यहां पे कहे हम लोग कि यहां पे जितने फोर्स से ट्रैक को पुश कर रहा होगा तो ट्रैक उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, मतलब हम लोग से एम बी पूछा गया है कि ट्रैक कितना लगा रहा होगा। तो ये एम जी नीचे लग रहा है और ट्रैक ने फोर्स एम बी ऊपर लगाया है। अच्छा यहां पे ये हॉरिजेंटल हो गया, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गया, तो इसको कितने रेडियस का सर्कल मान सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल। ये पाथ ये है, अगर अगर हम कहें ये एक स्ट्रेट ऐसा पोर्शन है कितने रेडियस का सर्किल है, तो इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल बन के आ रहा है। जैसे देखो अगर ऐसे होता तो इतने इसको कंप्लीट कर लेते, और अगर ऐसे हो जाए तो इसका और बड़ा सर्किल ऐसे बनने वाला है, एकदम फ्लैट हो जाए तो इनफाइनाइट रेडियस का सर्किल बनने वाला है, ठीक है। तो बी पे जो होगा जो पाथ है वो एकदम फ्लैट है, फ्लैट है, कर्वेचर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है। अब ये अगर कह लें तो फिर हम लोग अब जो है कितने फोर्स ट्रैक इस पे लगा रहा होगा एम बी, उतना ही फोर्स ये ट्रैक पे लगा रहा था पूछा गया था, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर एम जी माइनस एम बी। अब इस केस में सेंटर आप इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में तो ये इन्फिनिटी रेडियस का सर्किल बन रहा है, हमने ये कह दिया टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इधर बन रहा है इधर बनता बात एक ही है। तो एम जी माइनस एम बी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर, आर एट बी, और आर एट बी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया जीरो। एम बी की वैल्यू एम जी के बराबर हो गई, एम अगर वन दिया हुआ है जी अगर टेन ले लिया तो ये हो गया टेन न्यूटन। तो इस तरीके से जो एडिशनल क्वेश्चन थे उसका हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन से हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन किया, मतलब इस एक क्वेश्चन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लिया, जब टाइल मोशन पूछ लिया आपसे उसके कंसेप्ट डिस्कस हो गए,
और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट डिस्कस हो गया, मतलब सर्कुलर मोशन भी यूज हो गया कुछ कुछ कंसेप्ट, और एनर्जी कंसिडरेशन भी चेक हो गया। तो ये कुल मिला के पूरा डिस्कशन जो है ये काफी कहेंगे कि एक फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, एक अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।